मधुबनी जिला मधेपुर प्रखंड अंतर्गत रहुआ संग्राम गाम में अवस्थित अछि पार्श्वमणि धाम, जतय पार्श्वमणि महादेवक दर्शन मात्र सँ संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होइत अछि। कहल जाइत अछि एहि ठाम संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई के सिद्धि भेटल। एतय बिहार झारखंडक सबसे ऊंच लगभग 40 फीट शिव प्रतिमा दर्शनार्थीक आकर्षणक केंद्र बनल अछि। आओ दिवाकर झा सुमन जी माध्यम सँ जनवाक कोशिश करैत छी पार्श्वमणि। नमस्कार, हम दिवाकर झा सुमन आइ रहुआ संग्रामक प्रसिद्ध मंदिर बाबा पार्श्वनाथ मंदिर के प्रांगण में उपस्थित छी, जिनकर महिमा सब भक्त जन लगभग जनैत छथि। कहल जाइत अछि जे 700 वर्ष पुरान एहि मंदिर में बाबा पार्श्वनाथ के एकटा शिवलिंग स्थापित अछि, जाहि सँ जिनक दर्शन करबाक मात्र सँ सकल मनोरथ पूर्ण भऽ जाइत। दूर दूर सँ श्रद्धालु अबैत छथि, एहि मंदिर पहुँचैत छथि। कहल जाइत छै जे लक्ष्मीनाथ गोसाई एतहि एहि पिपरक गाछ के नीचामे सिद्ध भेल छलाह। आउ हमसब प्रयास करै छी आइ जे एहि स्थल पर जे आयल भक्तगण छथि, पूजा कन्हार माय बहिन छथि, हमर भाई बहिन छथि, हमसब प्रयास करब जे एहि मंदिर के महत्ता के बारे में हमसब एतय विशेष जनबाक हमसब प्रयास करै छी। अपने के कतौ घर भेले? बजरी बरसाम पंचायत। अपने के नाम की भेले? उमेश कुमार साहू। अच्छा, हमरा एकटा अहाँ से बात पूछने अछि जे अपने जे एहि मंदिर पर आबि रहल छी से लगभग विगत कतेक दिन से आबि रहल छी? जहिया से हम अपने ज्ञान भेल जी, जहिया से हम बहुत दिन आबै छी जी, हुनका बाबाक प्रति पूर्ण विश्वास जी, कोनो मन एहन मनोकामना रहैए जे चाहै छी भऽ जाइए। अच्छा अच्छा, ताहि लए कऽ हर संडे जे छै से ओना हम बाहर बम्बई रहै छी, बम्बई रहै छी जी, लेकिन जतय गाँवमे रहै छी तऽ बराबर हम हुनका दरबारमे जी हर संडे अयबै। हम दिवाकर झा सुमन रहुआ संग्राम स्थित पार्श्वनाथ मंदिर पर उपस्थित छी। हम अपने से जानय चाहै छी जे अपने घर कतौ भेलै? हमर घर रहुआ संग्राम भेल जी। ई पार्श्वनाथ स्थान छै जी, एहिठमा सँ हमसब जुड़ल छी जी बहुत दिन सँ जी, ई काज जे छै से बहुत दिन सँ जुड़ल छी, हम रहै छी एहिठमा, विशेष काल पूजा पाठ सँ जुड़ल छी। बाबा के पूजा केला सँ जे छै से मन के शुद्धता होइए, पवित्रता होइए, आ बहुत दिन सँ हमसब जुड़ल छी एहिठमा, सोमवारी कीर्तन भजन सेहो होइए। अच्छा अच्छा, हँ, एहि समय जे छै कीर्तन भजन कतेक वर्ष, विगत कतेक वर्ष? सोमवारी कीर्तन भजन हमरा सबके याद नहि अछि, दुआरे जे हमरा सबके पूर्वज जे छलखिन सएह सब करै छलखिन, तऽ ओहि परम्पराके हमसब निभा रहल छी जी, एहिसँ विशेष हमसब जुड़ल छी आ बहुत उत्साह बढ़बै छी। इएह सब जे छै से एहिसँ हमसब जुड़ल छी, पार्श्वमे डेली नित्य पूजा केलहुँ, एहिसँ जे छै से श्रद्धा भेटैए, भक्ति भेटैए, एहिसँ जुड़ल छी। आओर एतुका जे ई स्थान छै बाबा पार्श्वनाथके जे मंदिर छनि, अन्दरमे शिवलिंग छनि, एहिसँ एतुका जे दर्श भक्तजन छथिन हुनका सबके की फायदा होइ छनि? हुनका सबके बहुत फायदा होइ छनि, एहि दुआरेसँ जे मनोकामना लऽ कऽ अबै छथिन एतऽ हुनका पूरा होइ छनि जी, हुनका श्रद्धा होइ छनि, फेर पुनः फेर दोबारा आबै छथि, इच्छा रहै छनि जे हम बार बार जाइ स्थान परमे। भीड़ रहैए, हर रविके भीड़ रहैए, अहियोसँ ज्यादा भीड़ रहैए, इएह सब रहैए। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। हम और किछु जनबाक प्रयास करै छी, एतऽ एहि मन्दिर परमे काफी भीड़ छै, तऽ हम किछु महिला वर्गसँ सेहो प्रयास करब जे एहि मन्दिरके महत्ताके बारेमे जानी। आ सङ्गहि हम पहिने प्रयास करै छी जे एहिठाम जे आयल एहि गाँवके एकटा वरिष्ठ व्यक्ति जे विनय मोहन जगदीश जी, प्रणाम करै छी। हम रहुआ संग्राम परिसरमे अपने अयलहुँ आ अपने एतऽ आयल छी, हमसब चाहब जे अपने एहि मन्दिरके बारेमे हमरा सबके किछु विस्तृत बताबी जे ई कतेक दिनसँ ई मन्दिर एतऽ जे स्थापित अछि आ एहि मन्दिरके की विशेषता छै से हमरा सब जनबाक, हमरा सबके जनेबाक प्रयास कयल जाउ।
एहि मंदिरक महत्व के बारे में जे अहाँ पुछलहुँ हँ या ऐतिहासिक गप, एकर इतिहास बड़ गूढ़ विषय छै। कारण एहि बगल में पोखरि छल जकर नाम हमसब अखनो झुटकाही कहै छियै, तऽ हम घर सब मने बर्तन सब भेटै छलै। मंदिर एहिसँ पहिने जे 88 के भूकंप में जे क्षतिग्रस्त भेल ओ मंदिर घंटाकार छलै, जे मिथिलांचल नहि भारतक आनो भागमे घंटाकार मंदिर नहि भेटत। जे गुम्बजाकार छलै, गुम्बज जे छलै ओकर से घंटाकार छलै, अपना आपमे वास्तुकलाके लेल एकटा अपूर्णीय चीज छलै, सराहनीय चीज छलै। ओ कोनो राजा नहि, सामाजिक द्वारा बनल गेल रहै। ओना किंवदंती छै जे हरसिंह देव राजाके वंशज जे छै से बनेने रहथिन, ई बात से ओ नहि बनेने रहथिन, बनेने रहथिन सामाजिक लोक। हुनका पुत्र नहि होइ छलनि, आइसँ 600-700 वर्ष पूर्व हुनका पुत्र नहि होइ छलनि। तऽ एहि गामक एक व्यक्ति जे छै से पुत्रके लेल जे छै से हुनका ज्योतिषी छलखिन, हुनका लगमे याचना कहलखिन जे हम एतेक समृद्ध छी लेकिन हमरा एकटा पुत्र नहि अछि, हमर राज जे छै से विलुप्त भऽ रहल अछि। तऽ ओ गन्नाके कहलखिन जे अहाँके पुत्र हैत यदि महादेवक पूजा करब। तऽ ओ महादेवक जे पूजा केलखिन तऽ हुनका पुत्र जे छै से भेलनि राजा कढ़ालामे। ओ हुनकर जे छै से राजा जे छै से हुनकर अथी रहनि ओहि समयमे जे छै से घर रहनि। तऽ ई बात जरूर छै गिरधरनारायण सिंहके ओ छहरदेवारी देलखिन, लेकिन मंदिर जे छै सामाजिक द्वारा भेल छलै। तऽ ओहिसँ पहिने राजा छलै जकर झुटकाहीमे घर छलै। एहि बगलमे ई पोखरि अछि जाहिमे लोक कहै छै जे ज्वालकमे जे छै से हरसिंह देव आ बल्ला सिंहके युद्ध भेलनि, ज्वालकमे नहि भेलै रहुएमे, जकर मुण्डसब भेटल रहै एहिठाम इनारमे जे पोखरिके खुदाइ भेलै जाहिमे इनार रहै, इनारमे मुण्डसब भेटल रहै। ई मंदिर जे छै से बहुत प्राचीन छै, नयामे जहन समय समयपर जे जीर्णोद्धार भेलै तऽ लोक अपन अपन नाम लेलथि हँ, लेकिन ई मंदिरके बहुत ई मंदिरक उद्धान एहि दुआरे प्राचीन मानल जाइ छै जे एहि राजा एहि मंदिरक मुख दुनू गेटपर जे छै से महात्मा बुद्धके प्रतिमा रहनि। तऽ महात्मा बुद्धक प्रतिमा ओहि समय भेलै जहन बौद्ध आओर हिन्दूके समागम रहै, मने दुनूके जे छै से तालमेल रहै, तखने हिन्दूके मंदिरपर बौद्धक प्रतिमाके अथी कयल गेलै, मने राखल गेल रहै। मजबूरी होइ या जेना जे मुगल वंशमे जजिया टैक्सके मजबूरीमे लागू कयल गेलै, तहिना एहि मंदिरमे जे छै से बौद्धके प्रतिमा रहै। आओर एहि मंदिरमे नहि मिथिलाञ्चलक अनेको मंदिरमे बौद्धके धर्मके अपनायल गेलै, जकर प्रतिमाके समाधित कयल गेलै। सर विनयमोहन जगदीश जी, अहाँसँ बहुत सुन्दर सुन्दर बात हमरा सबके पता लागल एहि मंदिरके बारेमे। हम एकटा आओर प्रश्न अहाँसँ कऽ रहल छी, जानऽ चाहै छी जे एहि मंदिरके स्थापना लगभग कतेक वर्ष पूर्व भेल छल, या ई मंदिर अहिना छल आ कि मंदिर एहिसँ पहिने बढ़िआँ एहिसँ बनलो छल, या कोन प्रकारसँ छल, से बारेमे हमरा सबके मार्गदर्शन कयल जाउ। मंदिर एहिसँ पहिने जे मंदिर रहै, जे भूकम्पसँ पूर्व जे मंदिर रहै, एहि मंदिरसँ वास्तुकलाके अनुकूल बनावटके अनुकूल बहुत बढ़िआँ रहै। जे पहिने कहलहुँ जे घंटाकार रहै, आ जतऽ जाहि साइजक ईंटाके काज पड़ल रहै तेहने ईंटा भेल रहै। अखन ईंटाके फोड़ल जाइ छै ओहिठाम, ओहि साइजक ईंटाके जे प्रयोग कयल गेल रहै। जतऽ मोड़के काज रहै मने ईंटाके बनावटे ओहि ढङ्गसँ रहै, जेना बुझल गेल रहै जे भट्ठाके ओ ईंटाके शकलके अनुकूल मने बनावटके अनुकूल ईंटाके जे छै से बनायल गेल रहै, जे अपना आपमे एकटा जे छै से अद्भुत चीज छलै। तऽ मन्दिरके बनावट एहि मन्दिरके अखुनका जे आधुनिक मन्दिर बनल हँ ताहिसँ जे छै से ओकर विलक्षण रहै। आओर जतेक नीचाँ गेलै ओकर मोटाइ जे छै से बढ़ैत गेलै, तऽ खोदाइके क्रममे एहन स्थिति भऽ गेलै जे बुझना गेलै पूरा प्राङ्गण जे छै पारसमनिके जे प्राङ्गण छनि से ओ जहिना कहै छै जे रामायण कालमे कहल गेलै साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, तऽ तहिना स्थिति एहिठाम ई भऽ गेलै जे पूरा प्राङ्गण मन्दिरेके शिलान्यास मने कुर्सीसँ जे छै से भरल पड़ल छै, कि अन्तमे जहन धसनासँ खसऽ लगलै तऽ छोड़ि देल गेलै। तऽ ई बुझियौ जे कतेक बेर भूकम्प भेल मिथिलाञ्चलमे, 1770 ईस्वीमे भूकम्प भेल, 1934 भूकम्प भेलै, कए बेर भूकम्प भेल, लेकिन कोनो भूकम्पमे जे छै प्रभावित नहि भेलै। किएक तऽ धूमनपर जोड़ल ई मन्दिर छल, तऽ धूमनपर जोड़ल आ तखन एतेक दिन तक रहल, बहुत नीकसँ बनाबल छलै। ओ मन्दिरक तुलना तऽ अखन हमसब नहि कए सकै छी, अखन जे केलहुँ तऽ सीमेंट बालू लोहापर जरूर केलहुँ, लेकिन ओ टिकाउ जे हजारो वर्ष तक ई मन्दिर टिकल, बहुत दिन तक रहल, एकर महत्वके बारेमे तऽ कहि रहल छी जे कतेक महात्मा सिद्ध भेल छथि, वृन्दावन दास, लक्ष्मीनाथ गोसाईं, बिन्देश्वरी पाठक छलै, बिन्देश्वर पाठक छलथि हिरनीके, आओर कतेक ने महात्मा, एकटा कमी छै, एकटा अगर तहन हुनकर नाम कहल जाय, अनेको हमरो एक बेर हमरा एकटा की भेल, तऽ हम बीमार रही, दरभंगामे इलाज करके थाकि गेल रही, अचानक कहलियै हे पर्समैन हम पटना जाइ लए रही, हमरा रेफर कऽ देलक दरभंगाके डॉक्टर, हम पटना जाइ लए रही, कहलियै हे पर्समैन जँ हमरा ठीक भऽ जायत तऽ हम दण्ड प्रणाम देता। हम कानऽ लगलहुँ, हम कानऽ जे लगलहुँ कि अचानक हमर दर्द जे ठीक भए गेल, हमरा पेशाब रुकि गेल रहऽ,
ई पशुमनि एक एहन महत्व छनि यदि विपत्तमे यदि लोक हुनका स्मरण करै छनि केहनो विपत्त रहै छै स्मरण यदि कयलक तऽ ई जे छै से ओकर निदान जरूर करै छथिन औढ़धानी सहीमे छथि एकेटा राज सरकारक जे छै से उपेक्षा कारण ई मन्दिर चपेटल छै नहि तऽ ई गुदरीमे लाल छथि गुदरीके लाल छथि हिनकर कतबो वर्णन कयल जाए तऽ कमे बुझना जाइए ई साधनाके केन्द्र अछि एहिठाम दूर दूर तक लोक अबै छथि कमी नहि छै एहिठाम बहुत दर्शनार्थी सब अबै छथि आन आन क्षेत्रके अबै छथि नेपालके अबै छथि एतऽ जे छै से बिहारक आन आन क्षेत्रके मने यूपी सभक जे छै से हँ एतऽ आदमीके कमी नहि मने दर्शनार्थी बहुत दूर दूर तक अबै छथि हमसब चाहब जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जे एहि रहुआ मन्दिरमे सिद्ध भेल छलाह परिसरमे हम हुनका बारेमे किछु जानबाक प्रयास करै छी विनय मोहन जगदीश जीसँ हमसब लक्ष्मीनाथ गोसाईके बारेमे प्रयास करै छी जे ओ केना एतऽ सिद्ध भेलाह ओ कोन पुरुष छलाह केहन छलाह ओहि बारेमे विनय मोहन जगदीश आइ ओहि महान साहित्यकार योग गुरु तांत्रिकके बारेमे अहाँ पूछि रहल छी जे सुनिकऽ हमरो मन हर्षित अछि लेकिन हुनकर बारेमे जे कहि रहल पुछलहुँ हँ जेना सूर्यके आगाँमे दीपक देखेनाइ भऽ रहल छै तहिना आइ ओहि महान विभूत महान ज्ञानी साहित्यकार जे 150 पोथीके रचना कयने रहथि हुनकर अनेक पाण्डुलिपि जेकि अखनो तक नहि भेट सकल हँ तऽ ओ ज्ञानक खोजमे जहन मिथिलाञ्चलसँ भटकैत हिमालय चलि गेल रहथि तऽ हिमालयमे गुफा बहुत ऊपर चलि गेल भटकैत अवस्थामे गेल किएक तऽ ज्ञानक खोजमे जहिना गौतम महात्मा अथी महात्मा बुद्ध जे छै से भटकैतकऽ चलि निकलि गेलथि अपना घरसँ गयामे हुनका सिद्धि भेटल तहिना ई भटकैत चलि गेलथि ज्ञानक खोजमे तऽ हिमालयपर जहन गेलथि तऽ ओतऽ देखलखिन जे धुआँ होइत तऽ ओहि धुआँके क्रममे जे छै से ओ धुनी पर देखलखिन तऽ ओतऽ गेलथि तऽ लम्बनाथ नामके जे छै से गुरु साधक छलखिन हुनका लगमे जे छै से अपन याचना केलखिन जे हम घरसँ भटकि अयलहुँ हँ हम ज्ञानके खोजमे अयलहुँ हँ हम शिक्षा प्राप्त करऽ चाहै छी ओहि शिक्षा प्राप्त से शिक्षा प्राप्त करैके क्रममे अपन जिज्ञासा देलखिन ओ कहलखिन जे तोहर जे सिद्धि छौ तोहर जे मानसा छौ इच्छा छौ ओ इच्छा तोरा रहुआमे जे छै से बाबा पार्श्वनाथ मन्दिर छै ओतऽ तू साधना करऽ तखने तोरा जे छै से सफलता भेटतै तऽ ओहिठाम दूटा धुनी जड़ै छलै एकटा धुनी मुझायल रहै तऽ कहलखिन सरकार ई धुनी की छियै मुझायल तऽ कहलखिन ई धुनीके बारेमे तू किया प्राप्त शिक्षा ज्ञान प्राप्त करऽ चाहै छह जिज्ञासा छह ई छोड़ अहिना कोनो छै तऽ ई हट केलखिन तऽ कहलखिन जे अखन ई मिथिलाके राजा छथि हिनका किछु दिनके लेल राजभोगक इच्छा भेलनि तऽ ई जे छै से राजभोगक इच्छाके लेल जे छै ई धुनी छोड़ि कऽ राजभोगमे चलि गेलथि कहलखिन के छथि राजा लक्ष्मेश्वर सिंह जे छै से ई धुनीके छथि ई हुनके धुनी छनि तऽ तू जे जाइ छह तऽ कहि दिहऽ जे ई धुनी बुझि रहल अछि कहलथि हँ लम्बनाथ ई धुनी बुझि रहल अछि से कहि ई एतबे समाज तू कहि दिहऽ तऽ फेर कहलखिन सरकार हम जायब केना हमरा तऽ वनमे फेर हरा जायब अपने जे कहलहुँ रहुआमे तोरा सिद्धि भेटतऽ से तऽ हमरा रस्तो नहि भेटत कहलखिन ठीक छै तू आँखि मुँडव हुनका आशीर्वादसँ प्रेरणासँ जे छै से ओ वनसँ ओ पहाड़सँ जे छै से निकलि कऽ तराइ क्षेत्रमे आबि गेलथि आओर सभसँ पहिने लक्ष्मेश्वर सिंहके जे छै से कहलखिन जे सरकार अपनेके धुनी जे छै से बुझि रहल अछि हम हिमालयपर अचानक भटकैत गेल रही ओहिठाम जे छै से गेलहुँ तऽ ओ कहलथि जे कहि दिहन जे लक्ष्मेश्वर सिंहके जे अहाँके धुनी बुझि रहल अछि किछु दिना बाद लक्ष्मेश्वर सिंहके जे छै से देहावसान भऽ गेलनि आ तऽ बाबा पार्श्वनाथ मन्दिरमे जे छै से ओ साधना करय लगलथि साधना कयलाके बाद 3 वर्ष साधना करैत ओहि साधनाक क्रममे हुनका सिद्धि भेटलनि तकर बाद ओ मिथिला नहि आनो क्षेत्रमे जे छै से अपन कुटी बनेलथि नजदीकमे जेना फटकी अछि फटकीमे कुटी बनेलथि लखनौरमे बनेलथि अनेक जगह बनेलथि एक ने अनेक जगह हुनकर साधना बनलथि एकटा क्वेश्चन हमर सर जे ओ जाहि स्थान पर सिद्ध भेल छलाह ओ स्थान कोन छियै ई छियै दुनू ठाम पिपरा गाछ छल एहि दुनू ठाम पिपरा गाछ छल पहिने जे कोशी पिपरा गाछ दुनू पिपरा गाछक बीचमे साधना केन्द्र रहल जतऽ अखन छोटी जे भवन बनल अछि हुनकर जे स्टैचू स्थापना होयत इएह जगह छी जतऽ लक्ष्मीनाथ गोसाई सिद्ध अपन प्राप्ति करत ज्ञानके जे छै से प्राप्ति बाबा पार्श्वनाथक सन्निधिमे जे छै से हुनका जे प्राप्ति भेटलनि ज्ञानके जे ज्ञान भेटलनि से इएह जगह छियै एहि स्थानपर स्टैचू लगतै हाँ हाँ एकदम हमसब पूरा प्रयासमे छी ग्रामीणक सहयोग हाँ हाँ ग्रामीणक सहयोगसँ जे छै से प्रतिमा बनेलै अच्छा अच्छा बहुत बढ़िआँ जानकारी इएह जगह छी एहिठाम पिपरा गाछो छै बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब देख रहल छियै इएह स्थान छी लक्ष्मीनाथ गोसाई महादेव महाराजके सिद्ध स्थल जे एहि बीचमे बैसिकऽ ओ सिद्ध भेल छलाह हँ रहुआ सङ्ग्राम पाश्वनाथ धाम स्थित इएह मन्दिर परिसरमे हुनकर एतऽ सिद्धि भेल छलनि हँ जे अपने सबके हमसब रूबरू करा रहल छी आउ हमसब आओर किछु जानबाक प्रयास करै छी
अ गाम के जे नामचीन शिक्षक महोदय श्री दुखमोचन झा जी से अ मंदिरक विकास में एखन तक कालांतर से एखन तक की सब भेले हा आ की सब हेबाक संभावना बुझाई छे हम आमंत्रित करे छे श्रीमान दुखमोचन झा जी से। श्रीमान अपने आओ अपने पर किछ प्रकाश डालियो जे हम सब बुझिया समस्त श्रोतागण मित्रगण सब बुझथिन ई बात। प्रश्न अपने बड नीक भेल है। विकासक ओना कोनो सीमा नहि छै, विकास उत्तरोत्तर होते जाए छे। मोन पारियो जे डार्विन से लोक विकासवादक सिद्धांत अखन दे त विकासक गप त हम जे कहब से कहब, मुदा शक्ति के कोनो केंद्र होइ छै त ई समस्त जे क्षेत्र है तकर विकासक केंद्र बाबा पारसमणि छै। हमरा लोकन जे नीक बेजाय छी से हुनके कृपा से विकास उत्तरोत्तर चल रहा आ चलत रहत। जो वर्तमान समय के गप करी अपने देल जाओ जे ये विशाल शिव के प्रतिमा बन रहल अछि, अइ में अइ गामक कोन कथा, अइ क्षेत्रक चार पीढ़ी के लोक ऐसे जुड़ल छथि, ओ आर्थिक सामाजिक स्तर होए वा शारीरिक स्तर से होए योगदान दे रहल छथि। मन हैत जे ई मंदिर जे छै से पुरना जे छलैए से धराशायी भऽ गेलै, बड़ 500-600 वर्ष कते दिन का रहे से बुझलो नहि, तब मंदिरक निर्माण कयल। बाद में जे नवयुवक लोकन के धन्यवाद दै छियनि जे ओ सब बूढ़ पुरान दोसर तेसर पीढ़ी के जोड़लखिन आ जे उत्तरोत्तर विकास भऽ रहल छै। चर्चा करी अपने ध्यान दियौ, देखियौ लिखल अइ अध्यक्ष डॉक्टर आर एन झा रविन्द्रनाथ झा, ओ हम जे अपने पुछलहुँ तकर जे जवाब दै छी तो ओ तेसर पीढ़ी के लोग भेलखिन, ओना बूढ़ तऽ हमहूँ भेल छी तऽ कते वयोवृद्ध हेथिन ओ तकर अंदाज करू। वएह अध्यक्ष छथि उत्तरोत्तर। एहि दिस पश्चिम दिस ध्यान दिअ, जे साधक लोकनि छथि लक्ष्मीनाथ गोसाईके से कतेक भव्य साधना स्थल बनेला है आ संगे जेना देखेलबे हेता कि देख लेल जाओ जे लक्ष्मीनाथ गोसाई के सीट स्थल हमरा लोकन से कते देखल नहीं है, मुदा बुझल है ओ जैठा सिद्ध भला दुनू पिपरा गाछक बीच में वही स्थल पर विश्वास है, विश्वासे नहीं पूर्ण आत्मविश्वास है जे बहुत जल्दी निकट भविष्य में लक्ष्मीनाथ गोसाई के प्रतिमा जे छे से शीघ्र आउत आ ओतः स्थापित हेता आ खूब जे छे विस्तृत रूपे ऐ मिथिलांचलक क्षेत्र के जतेक साधक लोकन छे युवक वयोवृद्ध तिनका ई ग्रामीण आमंत्रित करथिन आ हुनका मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा शिलान्यास ई सब है। तैं जो विकास जीवनक सीमा थिक ओकर कोनो अंत नहीं छै, तैं हमहूँ सब हमरा तो प्राय लगैए जे चार पीढ़ीक जो चर्चा करब तो हम दोसर या तेसर पीढ़ी में नौजवान सबके जे योगदान छै तिनकर तो वर्णन नहीं कयल जाय। उत्तरोत्तर विकास चलैए आ चलैत रहत। जे अइ बगल में जे एकटा कुटिया के निर्माण भेल छै ई कोन मतलब कोन पीठ से संबंधित छथिन ई आ एकर जे निर्माण भेलै से ग्रामीणे के सहयोग से वा बाहर से? देखियौ साधक छला लक्ष्मीनाथ गोसाई तऽ महत्व असल साधना छै, एतो बहुत गोटे छै जेना व्यक्तिगत नाम कतेक लोक के ली जो कही तऽ व्यक्तिगत सोहन मिश्र छथि अइ गामक आर बहुत गोटे साधक छथि जे किछु हमरा से ऊपरको लोक छथि आ निचलो लोक छथि आ हुनकर शिष्य पंडित जीवेश्वर मिश्र जेना हमरा बुझल हुनके शिष्य सब छथिन, लेकिन महत्व एहि बातक छै जे ई लक्ष्मीनाथ गोसाईके सिद्ध स्थली थिक साधनाक स्थल छी
कतेक साधना अनवरत चलिए रहल छै। ग्रामीण सब सहयोग देलकै, सब वर्गक, सब धर्मक, सब जातिक लोक, ओ लेकिन सहयोग हुनके लोकनिक रहलनि। बम 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 बैद्यनाथ वरदानी, बम 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 बैद्यनाथ वरदानी, बम 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 वेदन हरण विभूति भूषित तले, वेदन अपने नाम की छे? महाकाली देवी। महाकाली देवी प्रसाद, प्रसाद से अपने पूजा कर लेते हैं। अच्छा, रहुए जन्म। हम चाहब के बारे में अपने कहिए जे बाबा पार्श्वनाथ महादेव केहन, मतलब महादेव हिनकर की महत्ता छै? बाबा पार्श्वन बहुत दिन से उग्र छै, हिनकर बहुत महिमा छै, जे केओ एहिठाम अबै छै सब मनोरथ पूरा होइ छै। हम 70 साल से ई बातके अनुभव अछि, बच्चा छलहुँ 50 साल से हिनकर पूजा कऽ रहल छी। ओहिके बाद जखन मौका लगैए हरदम अबै छी, पूजा करै छी, सब मनोकामना पूर्त होइए। जे भी अबै छै, जे केओ, हाँ जे केओ एतऽ सब मनोकामना पूर्त हेतै। बाबा के महिमा बहुत अपरम्पार। हम एकटा अही गाम के नवयुवक छथि करण जी झा, जे कवि सेहो छथि, हम प्रयास करै छी हुनका से किछु जानबाक विषय पर। आउ नरेन्द्र जी झा सर, प्रणाम। अपने के घर पर रहुआ संग्राम भेलै जी, एकदम। हम अपने के जनै छी, अपने कवि सेहो छी। हम चाहब जे एहि पार्श्वनाथ मंदिर के उत्थान के लेल की प्रयास हेबाक चाही से अपने हमरा कहल जाओ, हमरा सबके मार्गदर्शन कर दियो। बहुत सुंदर प्रश्न अपने के राखल अछि। पार्श्वनाथ धाम एहि गामक लेल नहि, पंचायत, प्रखंड और आनो आनो राज्य सँ एहिठाम दर्शकगण अबै छथि, पूजा करै के लेल अबै छथि शरणार्थी, श्रद्धालुगण। तऽ हमरा जे लागैए जतेक विकास भेल छै, ओ एहि ग्रामीण समाज होइ वा पंचायत वा प्रखंड वा जहाँ से आयल छै, ओहि सहयोग से एकर विकास भेल छै। मंदिरक निर्माणके बात होइ, चाहे प्रांगणक निर्माणक बात होइ, मुदा आब हमरा जे लागैए एहि स्थानके, तीर्थस्थल जकाँ हमसब बुझि रहल छी, ताहि सन्दर्भमे चारदीवारीके जे निर्माण छै ओहो हेबाक चाही जे नीक ढंगे। तकर बाद एकटा धर्मशाला सेहो बनबाक चाही, तऽ भऽ सकैए जे समाजक जे एहिमे सहयोग छै ओ तऽ हेबे करतै, लेकिन सरकारी जे प्रयास छै ओ हमरा नहि देखा रहल अछि, ओकर जरूरत छै जी। आओर जे नेता सब अपन वोटक लेल मात्र ओ काज करै छथि, हुनको एहिपर ध्यान देबाक चाही, किएक तऽ ईश्वर आओर भक्ति श्रद्धा एहि बिना मानव जीवन सम्भव नहि छै। आओर जीवनक लेल जे एकटा आस्था, श्रद्धा, विश्वास छै पार्श्वनाथके सङ्गे सबदिनसँ रहल छनि, हिनकर कृपा सबपर छनि, तैँ एहि नेता सबसँ सेहो हम आग्रह करऽ चाहबनि एहि इंटरव्यूके माध्यमसँ सरकारों तक हम अपन आवाज़ पहुँचाबय चाहैत छी, एहि प्रांगणक विकासके लेल, एहि संस्थानक विकासक लेल ओ सब अपन धनक सहयोग, अपन मानसिक सहयोग दऽ कऽ एकर उत्थान करथि, जाहिसँ हमरा सब श्रद्धालु, हमरा सब भक्तगणके आओर एहि स्थानसँ जुड़ाव बढ़त आओर हमसब आशीर्वाद लै जी। अपने कहै के मकसद छै जे पर्यटन स्थल ई घोषित हेबाक चाही, पर्यटन स्थल के लायक ई स्थान छै, किएक तऽ समय समय पर हम देखै छी जे बहुत नीक नीक एतऽ मेलो के आयोजन होइ छै, जाहिमे बहुत श्रद्धालु लगभग बेकाबू भऽ जाइत अछि, रोड पर का स्थित जे पता लागि रहल अछि बेकाबू भऽ जाइत अछि, तऽ एहिके प्रति सरकारके आओर समाजके ध्यान दै के जरूरत छै, तखने सम्भव छै। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, अपने हमरा समय देलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद।